ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। पंडित जी, अब आपसे जानना चाहेंगे कि शास्त्रों में तर्पण की सरल विधि है वो क्या है, वो बताएं हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को। आइए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको तर्पण करने की एक बहुत ही सरल विधि समझाने जा रहा हूं। आप सभी दर्शक इस विधि को समझकर तर्पण अवश्य कीजिएगा और अपने पितरों को शुभ आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। दोस्तों, श्राद्ध के दिन या पूरे श्राद्ध पक्ष में या सर्वपित्र अमावस्या को जल के अंदर तिल, ध्यान रखिए पितरों के निमित्त तर्पण कर्म में काले तिलों का प्रयोग किया जाता है, भूल कर भी सफेद तिल काम में नहीं लेना है। तो एक जल की भगोनी ले लीजिए, साफ शुद्ध जल उसमें भर दीजिए, उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिए, जौ डाल दीजिए, कुशा डाल दीजिए, अक्षत डाल दीजिए, श्वेत पुष्प डाल दीजिए, चंदन पाउडर डाल दीजिए, कच्चा दूध डाल दीजिए और उन सब को मिलाकर तर्पण करना चाहिए। करना क्या है, श्राद्ध पक्ष वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर ये सभी सामग्री लेकर उसे जल में डालकर अपने पूजा स्थान पर सबसे पहले पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाइए, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आसन के ऊपर बैठ जाइए। सबसे पहले दो कुशा की पवित्री दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में और तीन कुशा की पवित्री बाएं हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें, दो की दाएं में और तीन की बाएं में धारण करके पितृ तर्पण का संकल्प करें। देवताओं का, ऋषियों का, अपने पितरों का आह्वान करें। सबसे पहले एक आपने भगोनी के अंदर जल भर के सब सामग्री डाल दी, एक खाली परात अपने सामने रख ली। सबसे पहले उंगलियों के अग्र भाग से, ये जो उंगलियां हैं इनके अग्र भाग से 29 बार देव तर्पण यानी देवताओं को जल दे, भगोनी में से जल उठाइए और परात में डाल दीजिए। वैसे तो 29 मंत्र अलग अलग हैं, लेकिन आपने हथेली में जल भरा, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ओम ब्रह्मा तप्यताम, ऐसा कहते हुए 29 बार उंगलियों के अग्र भाग से आपने तर्पण किया। ये तो हुआ देवताओं का तर्पण। देव तर्पण के पश्चात ठीक इसी प्रकार 9 बार ऋषियों को जल देना है। सबका नाम नहीं ले सके तो नारदस्य तप्यताम, नारदस्य तप्यताम, नारदस्य तप्यताम, नारदस्य तप्यताम, 9 बार उंगलियों के अग्रभाग से जल छोड़ना है। अब आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और दिव्य मनुष्यों का तर्पण करें। 7 दिव्य मनुष्य हैं, प्रत्येक को दोनों हाथ की हथेलियों से जल दीजिए। एक दिव्य पुरुष के लिए 2 बार, इस प्रकार 14 बार आपको तर्पण करना है। सबका नाम नहीं ले सके तो 14 बार आपको जल छोड़ना है। हथेलियों से कैसे आपने जल भरा और बीच में से खोल दिया, ऐसे हथेलियों से तर्पण किया जाता है। तो आपने जल उठाया, ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ओम संकस्य तप्यताम, ये ऋषियों का तर्पण होगा। ऋषि तर्पण के पश्चात दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दिव्य पितृ तर्पण करिए। इसमें 7 नाम आते हैं, प्रत्येक को 3-3 बार जल देने का विधान है। इस प्रकार तर्जनी मूल से 21 बार जल देना है। इसमें 21 बार तस्मे स्वधा इसका उच्चारण करना है। 21 बार जल उठाया, अंगूठे की तरफ से, तर्जनी की तरफ से जल छोड़ना है। ओम तस्मे स्वधा नमः, ओम तस्मे स्वधा नमः, ओम तस्मे स्वधा नमः, ओम तस्मे स्वधा नमः, 21 बार। दिव्य पित्त तर्पण के अनुसार ही यम तर्पण करना है,
14 यम हैं, प्रत्येक यम के लिए 3-3 अंजलि जल देना है, तो 14 तिया 42 बार आपको जल छोड़ना है। नाम नहीं ले सके तो ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, जल उठाया अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते गए, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। इसके पश्चात आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करेंगे। इसमें सबसे पहले आप अपने गोत्र का उच्चारण करेंगे, फिर आप अपने पूर्वजों के नाम का ध्यान करके तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, एक एक के नाम से 3-3 बार जल देना है। ध्यान रखिएगा, एक पितर के नाम से 3 बार अंगूठे की तरफ से जल छोड़ना है, और मंत्र जो बोलना है वो है तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसमें पिता दादा परदादा को जल छोड़ना है। ध्यान रखिए, पुरुष के लिए जब आप जल छोड़ रहे हैं तो तस्मे स्वधा नमः, और जब महिला के लिए जल छोड़ रहे हैं तो तस्से स्वधा नमः। तस्मे और तस्से, ये दोनों में फर्क है। तो माता दादी परदादी के लिए जब आप जल छोड़ते हैं तो उसके लिए तस्से स्वधा नमः, तस्से स्वधा नमः, तस्से स्वधा नमः, अंगूठे की तरफ से जल छोड़ेंगे। एक एक के लिए 3-3 जलांजलि देनी है। फिर इसी प्रकार अपने नाना परनाना नानी परनानी वृद्ध नानी को 3-3 बार तस्मै स्वधा नमः, महिलाओं के लिए तस्सै स्वधा नमः करते हुए जल छोड़ना है। अन्य संबंधियों के नाम गोत्र उच्चारण करके जल छोड़ना है। मित्र गुरु को जल देना है। इस प्रकार ये तर्पण की विधि होती है। फिर सूर्य भगवान को पुष्प चंदन मिला जल से अर्घ प्रदान करके उस जल को नेत्रों से लगाए, और अंत में 3 बार ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः करके क्षमा प्रार्थना करें। तर्पण में दिया गया जो जल है वो अपने घर में कोई पेड़ पौधा है उसकी जड़ों में डाल दीजिए। तो इस प्रकार आप बिल्कुल सरल विधि से आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कर्म कर सकते हैं। तर्पण के पश्चात श्राद्ध कर्म करें, अपने पितरों के निमित्त धूप कर्म अवश्य करें। पंडित जी, बिल्कुल जल्दी से समय कम होने के चलते आपसे जानना चाहेंगे कि श्राद्ध जो व्यक्ति करता है उसकी विधि क्या होती है, किस तरह श्राद्ध करना चाहिए? जल्दी से मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर रिपीट करो। जिस तिथि को आपको घर में श्राद्ध करना हो उस दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पितरों के निमित्त भगवान सूर्य देव को जल अर्पण करें, अपने नित्य नियम की पूजा करके रसोई घर को शुद्ध जल से साफ कर दें, और पितरों की सुरुचि यानी उनके पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाएं। भोजन को एक थाली में रख लें, पंचबलि के लिए 5 जगह 2-2 पूड़ी या रोटी जो भी आपने बनाई है उस पर थोड़ी थोड़ी सी मीठा जो खीर आपने बनाया है वो पंच पतलों के ऊपर रख दें। एक उपला यानी गाय के गोबर का कंडा उसे गैस के ऊपर गर्म करके किसी पात्र में रख दें। अब आप अपने घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, अपने सामने अपने पितरों की तस्वीर को एक चौकी पर स्थापित कर दें। एक महत्वपूर्ण बात जो आपको बताना चाहता हूं, पितरों की पूजा में रोली और चावल वर्जित है। रोली रजोगुणी होने के कारण पितरों को नहीं चढ़ती, चंदन सतोगुणी होता है, तो भगवान शिव की तरह पितरों को भी चंदन अर्पण करना आवश्यक है। इसके अलावा पितरों को सफ़ेद पुष्प चढ़ाए जाते हैं, तो आप भी अपने पितरों को चंदन का टीका लगाएं, सफ़ेद पुष्प अर्पण करें, उनके समक्ष देशी घी का दीपक और 2 अगरबत्ती अवश्य जलाएं, हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें, जाने अनजाने में हुई गलती के लिए माफ़ी मांगें, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मांगें, उन्हें भोजन का आमंत्रण दें। संकल्प करें, भोजन की थाली और 5 जगह जो आपने पितरों की बलि रखी उसे पितरों की तस्वीर के सामने रख दें। गर्म उपला यानी कंडे पर शुद्ध घी और भोजन की थाली में से थोड़ा सा भोजन समस्त पकवानों को लेकर शुद्ध घी में मिलाकर उपले यानी कंडे पर पितरों को भोग अर्पण कर दें, जिसे हम धूप कर्म कहते हैं। जब तक आप इस प्रकार अपने पितरों को धूप नहीं देते हैं तब तक आपके घर के पितृ देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, उस धूप से उठने वाली सुगंध से ही वो भोजन ग्रहण करते हैं। धूप देने के पश्चात सीधे हाथ में जल लेकर भोजन की थाली के चारों तरफ 3 बार घुमाकर अंगूठे की तरफ से जमीन पर छोड़ दें। दर्शकों, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जब हम उंगलियों के अग्रभाग से जल छोड़ते हैं तो देवता ग्रहण करते हैं, और जब अंगूठे की तरफ से जल छोड़ते हैं तो उसे पितर ग्रहण करते हैं। बहुत छोटी सी किंतु आप सभी के लिए ज्ञानवर्धक बात है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पितर आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण करें तो इस विधि से धूप दें और इस विधि से जल छोड़ें। एक बार पुनः उनसे मंगल आशीर्वाद की कामना करें। पंचबलि में से एक एक बलि क्रमशः गाय को, कुत्ते को, कौए को, किसी मांगने वाले को और एक चींटी को दे दें। भोजन की थाली घर में बुलाए ब्राह्मण के सामने रखें, आत्मीयता से भोजन कराएं, ब्राह्मण देवता के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें, ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा वस्त्र आदि देकर विदा करें।
श्राद्ध करते समय आंसू आने से भोजन प्रेत को, क्रोध आने से शत्रुओं को, झूठ बोलने से कुत्ते को, भोजन पर पांव लगने से राक्षस को, सामग्री के उछलने से पापियों को मिलता है। अतः इस दिन इन सब कर्मों का ध्यान रखकर संयम पूर्वक श्राद्ध कर्म आप सभी को अवश्य करना चाहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है goodluck@first.com। दर्शकों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।